हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे सिक्स ऑफ पाथफाइंडर। दोस्तों हमने पाथफाइंडर को रोका नहीं है, एनसीईआरटी का सीरीज हम ला रहे हैं, उसके साथ साथ पाथफाइंडर भी करा रहे। थोड़ा एक दो दिन गैप होगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अभी जो है हम लॉगरिथम का जो कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, अब जो है हम लॉगरिथम का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एग्जाम में कैसे अप्रोच किया जाता है क्वेश्चन को, वो भी आपको हम सिखाएंगे, और क्या तरीका होता है करने का वो भी देखेंगे। आप आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन था लॉग 2 बेस 10 बराबर 0.30103। मैंने आपको ये पढ़ाया था शायद, ठीक है, कि ये जो है ना आपका कॉमन लॉगरिथम में यूज किया जाता है। कैसे 2 के पावर 32 का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 के पावर 30 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई लॉग 50 बेस 10 का वैल्यू क्या होगा। देखो हम एक काम कर सकते हैं, सॉल्यूशन देखो कि भाई एक काम कर सकते हैं, इस लॉग 50 बेस 10 को ना हम लॉग 10 × 5 लिख सकते हैं। बेस 10 ये m × n हो गया, लॉग m प्लस लॉग एन, ठीक है, क्लियर दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक चीज देखिए, यहां पर अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या हम इस तरह से वैल्यूज को इवेल्यूट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म में नहीं लिखें, क्योंकि हमारे पास लॉग 5 का वैल्यू नहीं है। तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, कैसे दोस्तों, लॉग लॉग अगर हम ऐसा लिखे इसको, लॉग 50 को लॉग 100/2 बेस 10, तो लिख सकते हैं ना इसको। फिर इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो लॉग 100 बेस 10, और उसके बाद प्लस माइनस लॉग आपके 2 बेस 10, ये लॉग m/n हो जाएगा। ऐसे लिखने पे हमें वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि लॉग 5 का मान हमें नहीं मालूम है। इसका मान कितना होगा दोस्तों, 2, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 10 के स्क्वायर बेस 10, और इधर आएगा तो लॉग 10 बेस 10 हो जाएगा 2। अब उसके बाद माइनस, इसका मान है 0.30103। जब 2 में से आप 0.30103 घटाएंगे तो आपको आएगा 1.69897, ठीक है, ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारे सामने है लॉग 17 बेस 8, लॉग 23 बेस 9, लॉग 17 बेस 2 और लॉग 23 बेस 3, ठीक है। देखिए इसको बनाने का कई तरीके हैं, आपको जो तरीका पसंद है आप उस तरीका को अपना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो लिखा हुआ है हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे सामने ये 8 दिया है, 8 को हम 2 का क्यूब लिखेंगे तो ये रिवर्स होकर इसमें आएगा, क्या हो जाएगा 1/3, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों लॉग 17 बेस 2, ठीक है, ओके। ये मैंने कैसे लिखा आप लोगों को पता है, चलिए बट्टा आप इसको हम क्या ले सकते हैं, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो फिर 1/2 नीचे आ जाएगा, आ गया नहीं आएगा, तो 1/2 log 23 23 base 3 माइनस, अब फिर दोस्तों ये 2√2 है, तो 2√2 को जब लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 3/2, तो फिर ये पीछे चला आएगा, जब पीछे चला आएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3, उलट जाता है 2/3 log 17 base 2, और बट्टा में आप ऐसा यूं रखिए log 23 base 3। दोस्तों अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आप जब आप गौर से देखेंगे ना तो आपको क्या नजर आएगा कि ये सेम है, ये सेम है दोनों, ठीक है। देखिए अगर इसको ऊपर कर देंगे, इसको ऊपर करेंगे तो ये 2/3 बन जाएगा ना, यहाँ पर ये आएगा 2/3 बन जाएगा, और ये पूरा कट के 0 दे देगा, क्वेश्चन नंबर 2 का मान 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 3 तो छूट गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा है कि 81 के पावर 1/log 3 base 5, 27 के पावर log 36 base 9, और इसके बाद 3 की पावर है शायद 4/log 9 base 7। देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम मान लेते हैं ये मेरा पहला अगर कोई टर्म है तो ऐसा हम सोच सकते हैं ना। देखो इसको हम कोशिश करते हैं ऐसा बनाने, ए की पावर लॉग ए बी ए समथिंग बनाने की, जब ऐसा बना लेंगे तो हम इजीली वैल्यू को इवेल्यूट कर सकते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 4 81 को, और उसके पावर में हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग क्या, लॉग 5 base 3। अच्छा ये कैसे, आपको मैंने बताया था इसको हम लॉग 3 बाय ऐसे लिख सकते हैं, 1/log 3/log 5, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा log 5/log 3, और जब log 5/log 3 होगा तो इसको log 5 base 3 लिख सकते हैं, राइट, ठीक। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं लॉग कितना
आपका इसको पहले एवेल्यूट कर लेते हैं अच्छे से, तब उसको करेंगे। इसको जब लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फिर आपका ये 3 की पावर 4 log 5 base 3, और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, आपको पता ही है बात, log 5 की पावर 4 base 3, देखिए ये सेम है, दोनों सेम है। तो आपका देखिए a की पावर log a बेस k होगा, तो उसका मान k हो जाता है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, 5 की पावर 4। याद रखिएगा, a की पावर अगर, एक मिनट दोस्तों, a की पावर अगर log a b बेस a है, उसका मान b आ जाता है निकल के, ये दोनों जब सेम रहता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था, कैसे होता है ये भी मैंने बताया था पीछे का लेक्चर में। ठीक है, साइमल्टेनियसली हम इसको भी कोशिश करेंगे ये बनाने का। ठीक है, कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो 27 है, 27 को ऐसा लिख सकते हैं 3 का क्यूब के पावर log 36 base 9। अच्छा एक बात बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे 3 की पावर 3 log आपके 36 base 9। अच्छा एक बात देखिए, हम ऐसा कर सकते हैं, इसको फिर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, नीचे जब आएगा ये, ठीक है, तो ये 1/2 में होगा, 3 के पावर 3/2 log आपके 36 base, कितना दोस्तों, 36 base आपका 3, राइट। ये फिर ऊपर इसके कैप में लग जाएगा, 3 के पावर log 3 सॉरी 3 के पावर log 36 की पावर 3/2, ओके, और उसके बाद बेस में 3 आपका है यहाँ पर। अच्छा इसको हम तो आराम से अब लिख सकते हैं ना, 36 के पावर 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको इवोल्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6 के पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3, क्योंकि ये 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके पावर 3/2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्योंकि आपको पता है अगर a की पावर m और उसके पावर 1/n है, a के पावर m/n हो जाता है। इसका मान कितना होगा, 6 का क्यूब। ये जो किए थे इसका मान आया था दोस्तों कितना, 5 की पावर 4, इसका मान 6 का क्यूब। ठीक उसी प्रकार से इसे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं इसी पेज पे, ठीक है, इसी जगह पे हम लोग इसको निकाल लेते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान है यार, डिफिकल्ट नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें इशू नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट वीडियो में डाल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हमें फिर उधर NCERT भी कवर करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 के पावर 4/log 9 base 7। ठीक है, तो वी कैन राइट इट, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम सबसे पहले 9 को बेस में लाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 4 into log 9 base 7, क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ 1/log 9 base 7, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/log 9 और 1/log 7। अच्छा ठीक है दोस्तों, इसको फिर हम क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें जो हमारा है देखो 7, हम उल्टा मैंने लिख दिया क्या, नहीं, 9 यहाँ आएगा और 7 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर पुनः क्या कर सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये नीचे चला आएगा, 3 के पावर 4/2 into log 7 base 3, फिर ये 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 के पावर log 7 का स्क्वायर base 3, तो इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर a के पावर log b बेस a आ गया, तो इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 525, ये 625, ये कितना हो जाएगा, 31, 3125। अच्छा ये 5 की पावर 3 आया था कि 4 आया था, वो सेट 5 की पावर 4 कितना होता है, 625, हाँ ये 625 हुआ, ये 216 हुआ, और ये 49 हुआ। सबको एक साथ जब जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारा निकल के आएगा 890। ठीक है, आप इसे क्विक भी कर सकते हो, उतना टाइम आप बर्बाद नहीं करोगे, और अली भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे ध्यान में आप कंसिडर करके बनाना, ठीक है, इसे भूलना नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो अब कह रहा है log 10 1 डिग्री, ठीक है, उसके बाद base 10 plus log 10 2 डिग्री, ठीक है, base 10, साइमल्टेनियसली इस तरह से log 89, ठीक है, जोर में है, log 10 89 डिग्री base 10। ठीक है, सो दे आर आस्किंग मी कि भाई साहब इसका वैल्यू क्या होगा। देखो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग जेड प्लस लॉग क्यू, इसको ऐसा लिख सकते हैं log m into n पे, तो 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री, ठीक है, 10 3 डिग्री से लेकर 10 89 डिग्री तक। ठीक है, ये बेस में हमारा 10 है, ठीक है,
ये log m into n पे है, तो ये पूरा लिख दिए। अच्छा क्या ये हमारा वैल्यू कुछ लेकर देगा? बिल्कुल, देखो tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को कंबाइन करके लिखो, ठीक है। देखो क्या हम इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस क्या 89 डिग्री, है ना, tan 1 डिग्री को, तब वो नहीं होता है। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा। cot 90 एंड इंटू tan 90 89 सॉरी, ये दोनों मिलाकर क्या बनाएगा? 1, ठीक है, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा मिलकर क्या होता है? 1, राइट। जब ये 1 बनाएगा log पूरा हो जाएगा, ये log 1 बेस 10 सब बनाएगा, 2 डिग्री भी 88 के साथ बनाएगा, और आपको पता है इसका मान कितना होगा? 0, ठीक है, log 1 का मान 0 होता है, राइट। आपको ये समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे से इसे कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर a बराबर हमारे सामने है, सब प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, अगले में हम PYQ देखेंगे। a बराबर है log आपका 12 बेस 24, ठीक है, और b बराबर हमारे सामने है log 24 बेस 36, और c बराबर हमारे सामने है log 36 बेस 48। हमसे पूछ रहा है 1 प्लस ए प्लस ए बी सी कितना होगा, ठीक है। देखो इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, 2AC 2BC 2AB किसके बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए कितना है, एक मिनट, 2AC, उसके बाद हमारे सामने है बी नंबर में 2BC, सी नंबर में है 2AB और डी में नन है। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, ज़्यादा मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले ना हम ABC कर लेते हैं, ABC, क्योंकि यहाँ पर ABC है, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे करना, अपने मन से कोई बेस छाट उठ नहीं करना है। ABC कर दिए, log 12 बट्टा इसको log 24 लिख सकते हैं, राइट, log 24 बट्टा log 36 लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, तेजी से बनाने के तरीका, क्वेश्चन जो कह रहा वो करो, log 48, ठीक है, एक मिनट। चलो और कुछ कटेगा, 24 से 24 कटा, 36 से 36 कटा, ठीक है, मेरे पास बच गया यहाँ log 12 बट्टा log 48, राइट। तो हमसे क्या पूछ रहा है भाई कि ABC तो हमारा आ गया। अच्छा एक बात बताओ, हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको बहुत बारीकी से हम क्या लिखेंगे बताओ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? मेरे पास जो वैल्यू है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस log 12 बट्टा log 48, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, आप लोग आसानी से समझ रहे होगे, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारे सामने ये वैल्यू आया निकल के, मैंने ABC के जगह पे बैठा दिया। अच्छा इस 1 को ना क्या हम इस बेस को लेकर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 48 बेस 48, ठीक है, प्लस log 12 बट्टा log 48, ओके। अच्छा क्या आप एक बताओ, बात बताओ कि इसका जो हम अगर LCM लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? log 48 प्लस ऐसा लिख सकते हैं log 12 बट्टा log 48, समझना बात को क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में मैं बोल रहा हूँ, देखो ये लिखा है log 48 बेस 48, क्या इसको log 48 बाय 48 लिख सकते हैं, प्लस आगे ये कितना था log 12 बाय log 48, ठीक है। अब इसका LCM log 48 ले लो, ठीक है, तो बचेगा यहाँ पर क्या, log 48 प्लस log 12, ठीक है। अब देखो क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ये जो है मेरे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम अगर इवेल्यूट करने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते बताओ? इसे हम दोस्तों अगर लिखने का प्रयास करें तो हमारे सामने ऑप्शन में क्या क्या है, हम क्या क्या ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं log m प्लस एन एथ log m इंटू एन, राइट, ऑल राइट, बट्टा log 48, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा 48 को जब 12 से गुना करेंगे तो 576 होता है, तो log 24 का स्क्वायर बट्टा log 48 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इधर लाएंगे 2 log 24 बट्टा log 48, ठीक है। अच्छा ऐसा कोई वैल्यू है हमारे सामने, ठीक है, ऐसा कोई वैल्यू है, देखो इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इसको log 24 बट्टा 48 को अगर हम लिखने का प्रयास करें तो log 24 बट्टा log 48, ठीक है, इधर लिख देते हैं 1 बाय log 48, ठीक है, और इधर भी हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं log 36 से, और log 36 से गुना भाग कर देते थे, log 24 बेस 36 log 36 बेस 48, ठीक है।
इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बी लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं, और आ जाएगा 2BC, राइट। चलो ऑप्शन में हमारे पास 2BC है कि नहीं, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे सामने जो दिया गया है ये क्वेश्चन NDA में पूछा जाता है कई बार, ठीक है, लेकिन देख लेता हूँ कितना देर हो गया आपका, ठीक है, थोड़ा देर और है। कितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं, लगभग हम 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया है, ठीक है। छठा क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो है log 27 base 12 बराबर a, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है log 16 base 6 किसके बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 times 3 minus a by 3 plus a, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2 3 times 3 minus a बट्टा 3 plus a, सी में दिया 4 times 3 minus a बट्टा 3 plus a, डी में नन, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। हमारे सामने क्वेश्चन है लॉग 27 base 12 बराबर ए, और इसे हमें लॉग 16 base 6 को लाना है। देखिए इस वैल्यू को यूज करके ना आप इसे लाओगे, कैसे लाओगे, घबराने की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना आपका, एक काम करते हैं ना, हम सबसे पहले जो बेस दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये 16 base 6 है ना, 16 base 6 इसके हिसाब से पहले इसको लाते हैं, ठीक है, ओके। देखो लॉग 16 base 6 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 6 base में 6, 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 4 times log 2 base 6, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे फिर क्या लिख देंगे, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 4 times 4 by log 6 base 2, ठीक है, इतना हमने इसे लिख दिया, ओके। अब इसको फिर ऐसे लिख दो क्या, लॉग इसको लॉग m इंटू n पे, लॉग आपका क्या लॉग 3 base 2 प्लस लॉग 2 base 2, राइट। तो इसे जब लिखेंगे 4 by 1 plus log 3 base 2, ये हमारा वैल्यू आया, इसको हमने समझा कि इतना हो सकता है, ठीक है। अब हम इस पे बेसिस पे ना, अब ये जो वैल्यू दिया गया इसको अब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, राइट। तुरंत हो जाएगा दोस्तों जब इसे तोड़ेंगे ना, तो कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। इसे मान लेते हैं ये हमारा जो है पहला इक्वेशन रहा होगा, ठीक है, ओके, ये लॉग हमारा है। जब इसे तोड़ेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फिर उसी तरह से इसको जब लिखेंगे लॉग, ठीक है, 3 के पावर 3 base 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 आपका क्या log 3 base 12, ठीक है। इसको फिर लिखेंगे 3 by, ओके, log आपका क्या होगा 12 base 3, राइट। तो इसको फिर लिखेंगे तो फिर वही बात होगा, क्या लिख देंगे 3 by log, ओके, ऐसा लिखते हैं 1 plus, क्योंकि ये 3 base 3 हो जाएगा, 3 into 4 लिखेंगे log m into n प्लस log 4 base 3, ठीक है, इतना हमने लिखा, ओके। इसे और क्या लिख सकते हैं, इधर नेक्स्ट पेज पे इसे लिख सकते हैं 3 by, ठीक है, लॉग आपका क्या हो जाएगा 1 plus 2 log 3 2 base 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको हम फिर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये पीछे चला आएगा। चलो दोस्तों जब इसको लिखेंगे तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम जब लिखने का प्रयास करेंगे तो सेम हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमने पीछे जो देखा, ठीक है, उस हिसाब से इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जो वैल्यू एवल्यूट किया था, ठीक है, उसको हम इजीली यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। देखो तो ये जो वैल्यू हमारा आया है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो मेरे सामने दिया गया a plus 2a, ठीक है, लॉग आपका 2 base 3 बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा, राइट। अब क्यों ऐसा होगा, तो हमने मल्टीप्लाई करा इस वजह से ये ऐसा होगा, ठीक है, लॉग आपका 2 base 3 बराबर क्या होगा 3 minus a बट्टा 2a, ठीक है। इसको जब उल्टा करेंगे तो लॉग आपका क्या 3 base 2 बराबर क्या होगा 2a बट्टा 1 minus 3 minus a, ठीक है। अब इस चीज़ का वैल्यू आप बैठा दो कहाँ पर, इस वाले वैल्यू में, कहाँ गया, इस वाले वैल्यू में जो आपने लाया था अभी तुरंत, ठीक है, यही तो लाया था आपने, ठीक है, इस वाले वैल्यू में किसको बैठा दो आप, ये वैल्यू को बैठा दो, ठीक है, कहाँ क्या वैल्यू लाए थे, ठीक है, हमारा जो वैल्यू आया था
ये तो अलग है, ये तो अलग है, यही था क्या? ठीक है, हाँ यही वैल्यू होगा। देखो चलो, अब हमारे सामने जो वैल्यू है, हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो आया था मेरे पास 4 बट्टा, यहाँ नेक्स्ट पेज में शायद होगा वो, ठीक है, कहाँ गया भाई, इसको अच्छे से लिखा नहीं मैंने, यही था ना 4 बाई, ये 4 बाई लॉग, 4 बाई लॉग आपका 3 बेस 2, ठीक है, यही तो मेरे पास था, इसको लिखते हैं, चलो हम भी कभी कभी भौंक जाते हैं। 4 बट्टा क्या था, 1 प्लस, 4 बट्टा 1 प्लस लॉग, लॉग आपका आया था कितना, 4 बट्टा 1 प्लस लॉग, लॉग 3 बेस 2, यही था ना। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 4 बट्टा 1 प्लस इसके जगह पर ये बैठा दिया, ठीक है, 2a/3 a, जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे सामने आएगा 4 टाइम्स 3 a/3 प्लस। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपके दिमाग में आता होगा कि मैंने ये चीज़ कैसे लिख दिया, कहाँ गया ये कैसे लिखा, a+2a log आपका 2 बेस 3, ठीक है, इसे कैसे लिखा बराबर 3, क्योंकि भाई साहब ये पूरा a के बराबर है, ठीक है, ये पूरा a के बराबर है। आप यहाँ देखो ना, ये जो वैल्यू, ये किसका वैल्यू है, ये इसी का तो वैल्यू है, log 27 base 12 का वैल्यू a है, यही तो हमारे पास निकल के आया था। मैं जो बात नहीं बोलता कभी कभी, ये मत सोचना कि छोड़ के चला गया, ए से गुना करेंगे, ए प्लस ये 2a log 2 base 3 हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा, और इसको अच्छे से इस तरह से सॉल्व कर देंगे, है ना, तो मेरे पास ये वैल्यू आगे निकल के इसको 3 माइनस a हो जाएगा, 2a नीचे आ जाएगा, ठीक है, लॉग आपका ये नहीं है कुछ, log 2 base 3 आ गया, और इसको वैल्यू में पुट कर दिया, ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है, इस तरह के प्रश्न को आपको बनाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, 6 क्वेश्चन के लिए मैंने ज़्यादा समय ले लिया, थैंक यू, लेकिन थोड़ा समझाना भी रहता है ना इसलिए।